ये अवार्ड शो बहुत ही एक स्पेशल अवार्ड शो है। ये महिंद्रा का 7वां एनुअल अवार्ड शो है। इसे हम कहते हैं महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड्स। और ये अवार्ड्स दिए जाते हैं किसानों को जिन्होंने बहुत ही कोई इनोवेटिव या कोई अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिस का प्रदर्शन किया हो। और ये अवार्ड्स पूरे देश भर में कॉम्पिटिशन होता है। इसमें करीब 60,000 से अधिक किसानों ने कम्पीट करते हैं। इसमें रीजनल राउंड्स होते हैं, जोनल राउंड्स होते हैं और नेशनल राउंड्स होते हैं। और हर राउंड में बहुत एमिनेंट जूरी होती है जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और वो उसको हर केस को उन लोग जांच करते हैं और उस हिसाब से उनकी रेटिंग की जाती है। और इसमें खुशी की बात यह है कि एग्री किसान के अलावा ये अवार्ड्स यूनिवर्सिटीज़ को, KVKs को और जो बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको दिया जाता है। और पिछले 7 साल में हमारे हिसाब से ये एग्री इंडस्ट्री का सबसे एक प्रेस्टिजियस और एक बहुत ही एस्पिरेशनल अवार्ड बन चुका है। आज अभी फार्मर्स तो कई फार्मर्स आए हुए हैं, करीब 150-200 फार्मर्स आए हैं और करीब 20-21 फार्मर्स को अवार्ड मिलेगा। सोलर की अलग अलग बिजनेसेस हैं, हमारी कंपनी है महिंद्रा EPC जिसके अंदर हमने सोलर पैनल्स वगैरह लगाते हैं और हमारा काफ़ी लक्स कंपनी का रहता है ग्रीन में काम करने का। और हमारे कई प्लांट्स हैं जिनमें सोलर यूज़ करते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि कैसे हम ग्रीन एनवायरनमेंट में काम करें और मैक्सिमम रीन्यूएबल एनर्जी में हम लोग फोकस करते हैं आजकल। इसमें हमारे सीड्स का बिज़नेस है, एग्री केमिकल्स हैं, माइक्रो इरीगेशन है, ग्रीन हाउस है, फिर हम पल्सेस में हैं, डेयरी में हैं, एडिबल ऑयल्स में हैं और अभी हम वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेप्स, फ्रूट्स का बड़ा बिज़नेस है हमारा। पर ये सब बिज़नेस का मेन लक्ष्य है कि किसान की खुशहाली कैसे बढ़ाएं और कैसे किसान का उत्पादन बढ़े उसके आउटपुट का और कैसे उसको अच्छी प्राइस मिले।